नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हरी धनिया और आलू की एकदम डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले मैंने धनिया पत्तियाँ ले ली हैं, जिनको कि मैंने अच्छे से धो लिया था, और साथ ही लहसुन की कुछ कलियाँ, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी हमने इसमें ऐड कर ली है। अब हम इन सबको एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इनकी एक चटनी तैयार कर लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और इसमें जीरा डाल दिया है, और साथ ही आलू डाल दिए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल करके पीसेस में कट कर लिए थे। और अब इसमें हम ये चटनी ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो तैयार है हमारी हरी धनिया और आलू की चटपटी मज़ेदार सब्जी। तो देखने में तो सुंदर है ही, साथ ही टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।